जब नजर सूए तैबा रवाना हुई, साथ दिल भी गया साथ जान भी गई। ये सिहाब अब रहेगा यहाँ किस लिए, इसका सारा असासा मदीने में है। सरवरे दो जहाँ से दुआ है मेरी, सरकारे अंबिया से इल्तिजा है मेरी। सरवरे दो जहाँ से दुआ है मेरी, सरकारे अंबिया से इल्तिजा है मेरी। उनकी फहरिस्त में हमारा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में हमारा भी नाम हो, जिनका रोज आना जाना मदीने में है। तारीख 19 जुलाई को सिहाब 32 किमी का सफ़र तय करते हुए गुजरात के पिपोदरा से अंकलेश्वर तक पहुँचे थे। पहले आप अंकलेश्वर की इस होटल का नज़ारा देखें, उसके बाद आगे की जानकारी सुने। इसी होटल सन प्लाजा में सिहाब ने रात गुजारी और उसके बाद तारीख 20 जुलाई को सिहाब का सफ़र भरूच की जानिब आगे बढ़ा। इस दिन भी 32 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए सिहाब गुजरात के वरेडिया के पास दर्शन होटल तक पहुँचे। यहाँ पर रात को कुछ ही घंटे आराम करने के बाद आधी रात को ही सफ़र मक्का के लिए रवाना हुए। क्योंकि दिन में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, इस वजह से आधी रात को सफ़र पर निकल पड़े और फजर की नमाज तक पालेज गांव की अल मदीना मस्जिद तक पहुंच गए। तारीख 21 जुलाई सिहाब का सफ़र मक्का 50वां दिन पालेज अल मदीना मस्जिद से वडोदरा की जानिब आगे बढ़ा और रास्ते पर करजन शहर के पास होटल मोती महल तक आ पहुंचे, जहां पर सिहाब का शानो शौकत के साथ वडोदरा भरूच के लोगों ने इस्तकबाल किया और अपनी भरपूर मोहब्बतों से नवाजा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तारीख 22 जुलाई इस होटल मोती महल से सुबह रवाना हुए सिहाब इस वक्त वडोदरा से बाईपास चल रहे हैं और सफर मक्का की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। सिहाब चतुर के इस पैदल सफ़र की शुरुआत होने के बाद दिन ब दिन लोगों को खबर होती गई। सोशल मीडिया के जरिए और ख़ासकर ज़्यादातर यूट्यूबर्स के जरिए देश की ज़्यादातर आवाम को इस बात से इल्म हुआ कि कोई अल्लाह का खास बंदा पैदल हज पर चला है। बस इसी वजह से जगह जगह ये माहौल देखने मिला कि लोग इस नौजवान से मोहब्बत करते हुए इस नेक सफ़र में जितना दूरी तक हो सके साथ चलने लगे। दिन ब दिन जैसे ही लोग जानते गए, ये भीड़ उतनी ही ज़्यादा देखने मिली। हमारे इस देश के सभी धार्मिक लोग, आम लोग जगह जगह सामने से आकर इस बंदे खुदा को मुबारक करते गए। यहाँ तक के बड़े बड़े ऑफिसर्स, धार्मिक उलामा और कई शख्सियतें इस नौजवान के जज्बे से मुतासिर होकर तरह तरह की मददें करने लगी और अभी भी ये सफ़र कई दिनों तक जारी है। अंदेशा है कि यही माहौल हर जगह देखने मिलेगा। हम बस दुआ करते हैं कि इस सच्ची नीयत और सच्चे दर पर जाने वाले सिहाब का सफ़र आसान रहे, किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। हम इस चैनल के ज़रिए अवाम से और ख़ासकर यूट्यूबर्स से भी इल्तिजा करते हैं कि इस सफ़र मक्का पर जाते हुए वहाँ मौजूद या आगे के रास्तों पर जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़रूर इस नेक सफ़र में पैदल चलने की कोशिश करें, मगर हम तो फिर भी थोड़ी दूरी से होकर घर चले आएंगे। ये ख्याल रखें कि इस बंदे खुदा को उस मुकाम तक जाना है, बस इसे लोगों की वजह से कोई परेशानी ना हो। इसका सफ़र आसान करें, अपनी दुआओं में शामिल करें।
और इस उम्मीद में रहें कि राह खुदा पर जज्बाए ईमान के साथ निकले सिहाब चतुर भी मक्का पहुंचने के बाद सबके लिए दुआ करेंगे। वीडियो को लाइक करें और देखते रहें हर रोज इस नेक सफर की डेली अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। வாகல்லில் குப்பத்தில் ஹலராயி குப்பத்தி செய்தில் கௌனேனி அஃலலா குர்ரத்தல் ஐனேனி வாகல்லி மௌலிதி குர்ரத்தில் ஐனேனி அஷ்ரஃபி ஹல்கில்